नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। महाशिवरात्रि के अवसर पर धर्म नगरी हरिद्वार में भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की सुबह से ही लंबी लंबी कतार लगी हुई है। हर कोई भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। हरिद्वार के कनखल भगवान शंकर की ससुराल दक्ष में भी शिव भक्तों की सुबह 4 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और आपको बता दें कि सभी भक्त इंतजार कर रहे हैं जलाभिषेक का। मान्यता तो ये भी है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। आप देख सकते हैं सुबह से ही जलाभिषेक किया जा रहा है और लंबी लंबी कतार लगी हुई है हर एक मंदिर में। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है और हर तरफ सिर्फ एक ही गुण सुनाई दे रही है, हर हर महादेव की। तस्वीरें हरिद्वार के मंदिर से आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व, भगवान शिव का विवाह की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है और ये वही भूमि है जिस भूमि के कारण देश में महाशिवरात्रि का दुनिया में ये पर्व मनाया जाता है। ये भगवान की ससुराल है और भगवान शिव और सती का दुनिया का प्रथम विवाह इसी भूमि पर हुआ था। उस विवाह की रात्रि को शिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। चूँकि भगवान शिव का विवाह यहीं पर हुआ था इसलिए इस विशेष जगह की विशेष मान्यता है। दूर दूर से लोग भगवान शिव की ससुराल में भगवान शिव के ऊपर गंगा जल से अभिषेक करते हैं। चूँकि भगवान शिव गंगा मस्तक पे धारण करते हैं इसलिए लोग गंगा जल से भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करना पसंद करते हैं ज़्यादातर। महाशिवरात्रि है आज और महाशिवरात्रि पर यहाँ बहुत भक्तों का मेला लगता है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और दक्षिणेश्वर महादेव सबकी इच्छा को पूरा करते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं कांवड़ लेकर, क्योंकि यहाँ की बहुत मान्यता है और ये शंकर भगवान की ससुराल है। और यहाँ पर जो है हर साल इसी प्रकार से श्रद्धालुओं का मेला लगता है तथा सभी भक्तजन यहाँ पर आके अपने मनोकामनाओं को इच्छा को रखते हैं और प्रभु उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो देखिए चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज। उत्तराखंड के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर से लेकर घरों में भोले की आराधना महाशिवरात्रि के दिन होती है, विशेष पूजा अर्चना, और हर भक्त अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। भोले बाबा को श्रद्धालु जल, कच्चा दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर करते हैं अर्पण। मंदिरों और घरों में श्रद्धालु करवाते हैं रुद्राभिषेक। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। फाल्गुन महीने की चतुर्दशी को हुआ था शिव पार्वती का विवाह, इसलिए ये दिन बेहद ही खास भी माना जाता है। शिव शक्ति के विवाह के दिन ही मनाया जाता है महाशिवरात्रि का पर्व। मंदिरों में निकाली जाती है शिव की भव्य बारात और खास तौर पर अलग अलग जगह पर शिव को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से श्रद्धालु आज महाशिवरात्रि का महापर्व मना रहे हैं। चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात लक्सर की कर लेते हैं, जहां पर पंचलेश्वर महादेव मंदिर और पथरी क्षेत्र के महादेव मंदिर के साथ ही खानपुर के जटाशंकर मंदिर में भी बम बम भोले की गूंज हर तरफ सुनाई पड़ रही है। सुबह 4 बजे से ही भगवान भोलेनाथ की आराधना में जुटे हुए हैं। दिन भर शिवालयों में महादेव की पूजा और शिवलिंग पर जलाभिषेक होगा। इसके साथ ही लक्सर और खानपुर शिव मंदिरों पर विशाल और भव्य मेले भी लगे हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिवालयों की। आप देख सकते हैं नंदी की पूजा और भोलेनाथ की पूजा हर तरफ आज की जा रही है। शिवरात्रि तो हर महीने आती है, साल के 12 महीने आते हैं तो 12 के 12 महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन आज जो पड़ी है आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का मतलब है शिव और शक्ति का मिलन, और मंदिरों में तांता तो लगा ही रहेगा क्योंकि महाकाल के भक्त जो महाकाल के चाहने वाले हैं हद से ज़्यादा हैं, और ये तो प्राचीन सिद्ध पीठ है
यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि कल से तांता लगा हुआ है, भक्तों की भीड़ देखिए चारों तरफ। तो देखिए गांव के मंदिरों में भी जलाभिषेक किया जा रहा है। शिव भक्त हर तरफ आज शिव की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं, शिवालयों में पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं और देश भर में एक ही गूंज आज सुनाई पड़ रही है और वो गूंज है हर हर महादेव की गूंज। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़ चुके हैं संजय पुंडीर। संजय, हरिद्वार में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? हाँ, शिवरात्रि के पावन अवसर पर लगातार हम देख रहे हैं कि शहर से लेकर देहात तक हरिद्वार में भक्तों का मंदिरों में जाना लगा है। यानी कह सकते हैं कि सुबह 4 बजे से ही जो भक्त है श्रद्धालु है दूधाभिषेक कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। हालांकि स्थान बनाने की जो मंदिर समितियां है उन्होंने भी विशेष अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कई दिनों पहले से ही हरिद्वार पर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी थी क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ पर साल के बिल्कुल कैसा दिन और घंटे ही जो देश के कोने कोने से भक्त आते हैं हरिद्वार पहुंचते हैं। सबसे पहले माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और आज महाशिवरात्रि का पर्व है जिनको खासकर सनातन। बिल्कुल संजय, आज महाशिवरात्रि का पर्व और बड़ी धूमधाम के साथ देश भर में ये पर्व मनाया जा रहा है और शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये सीधी तस्वीर है, देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज शिव की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वन खंडे मंदिर प्रतिमा में पहुंचे हैं और जलाभिषेक किया है और देखिए मत्था टेक रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी आज शिव की भक्ति में डूबे हुए और गूंज सिर्फ एक ही, हर हर महादेव। तो देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खटीमा पहुंचे हैं और जलाभिषेक किया है, पूजा अर्चना फिलहाल पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें खटीमा से आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। देखिए देश भर में जहां आज शिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है तो वहीं पर राजनेता भी इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बड़ी घोषणा, केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय की गई है। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। तो देखिए बड़ी खबर आज शिव भक्तों के लिए, 10 मई से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, तारीख तय कर ली गई है। तो 10 मई को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट, अब शिव भक्त बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जा सकेंगे। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज है, बड़ी ही धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है और इसी खास अवसर पर आज बड़ी घोषणा शिव भक्तों के लिए की गई है। दरअसल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का इंतजार हर किसी को रहता है कि कब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, कब शिव भक्त पहुंचेंगे केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल जो बड़ी अपडेट मिल रही है वो ये कि तारीख तय हो गई है केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की और वो तारीख है 10 मई, जिसका इंतजार बेसब्री से शिव भक्तों को रहता है। तो 10 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, यानी कि सभी शिव भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है जल्द ही। शिव भक्त अब बाबा केदारनाथ के भी दर्शन करने के लिए 10 मई के बाद जा पाएंगे क्योंकि 10 मई को कपाट खुल जाएंगे। तो देखिए महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी बीच ये खुशखबरी शिव भक्तों के लिए कि तारीख तय हो गई है। देखिए चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ रही है, उत्तराखंड के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है, मंदिर से लेकर के घरों में भोले की आराधना की जा रही है। महाशिवरात्रि के दिन विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, भोले बाबा को श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं, कच्चा दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा
बेर ये सब अर्पित करते हैं ताकि बाबा प्रसन्न हो जाए। मंदिरों और घरों में श्रद्धालु करवाते हैं रुद्राभिषेक। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। फाल्गुन महीने की चतुर्दशी को हुआ था शिव और पार्वती का विवाह। शिव शक्ति के विवाह के दिन ही ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। मंदिरों में निकाली जाती है शिव की भव्य बारात और जिसे लेकर के कई दिनों पहले से ही तैयारियां की जाती है शिव भक्तों की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से। और आज हर जगह पर शिव बारात निकाली जाएगी, भव्य ये बारात रहने वाली है। लंबे वक्त से सभी की तैयारियां चल रही थी। और इस बीच हल्द्वानी से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा। उत्तराखंड परिवहन विभाग को बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देने वाले हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे। 70 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 80 करोड़ की लागत से 86 विकास कार्यों का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, यानी कि बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। 70 विकास योजनाओं का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी आज जाएंगे और हल्द्वानी में कई कार्यक्रम जिनमें शिरकत करेंगे। साथ ही हल्द्वानी वासियों को, उत्तराखंड वासियों को बड़े सौगात सीएम धामी की तरफ से मिलने वाली है। तो सीएम धामी करेंगे हल्द्वानी का दौरा। हल्द्वानी में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में भी सीएम धामी शिरकत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी जनता को विस्तार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बताएंगे। 200 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम धामी अधिकांश योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। 6,728.82 लाख रुपए की लागत से काच गोदाम बस टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा और इसके साथ कई प्रस्तावित कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होंगे और कई करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी आज करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी से बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी जाएंगे। उत्तराखंड परिवहन विभाग को बड़ी सौगात सीएम धामी देंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। 70 विकास योजनाओं का शिलान्यास सीएम धामी आज करेंगे। 80 करोड़ की लागत से 86 विकास कार्यों का लोकार्पण भी सीएम धामी की तरफ से आज किया जाएगा। तो देखिये बड़ी सौगात आज उत्तराखंड परिवहन विभाग को मिलेगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं। अनुज, किस तरीके की तैयारी हल्द्वानी में? आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचेंगे, कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। अनुज, आवाज मिल पा रही है? एक बार आप अपना सवाल दोहरा दें। ठीक है, देखिए अनुज, आज हल्द्वानी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो हल्द्वानी में उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियां और किन किन विकास योजनाओं का आज लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे? बिल्कुल आचल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी दौरा है और हल्द्वानी में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कई करोड़ के, चूंकि परिवहन विभाग की योजनाएं हैं जिसमें आप कहें कि रामनगर के काट गोदाम का जो हिल डिपो है उसका शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्योंकि पहाड़ में जो बसें जाती है उन बसों का रूट अब रामनगर होते हुए जाएगा
तो रामनगर से तीर्थ जो यात्री है उनको सुविधा मिलेगी। इसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात देने वाले, तो रामनगर का जो हिल डिपो है उसका लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले। इसके अलावा प्रदेश की कई ऐसी विकास जो परियोजनाएं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। करीब करीब 86 लाख करोड़ की जो परियोजना है उनका मुख्यमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री का हल्द्वानी में रोड शो भी है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति को लेकर के राजधानी देहरादून में रोड शो किया था, इसी की तर्ज पे आज हल्द्वानी। चलिए ठीक है अनुज, यानी कि बहुत सारे कार्यक्रम है जिनमें आज शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। शिवरात्रि के मौके पर सीएम ने भगवान शिव को जलाभिषेक कर शिव का आशीर्वाद लिया है और देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में खुशहाल की कामना भी की है। तस्वीरें आपको दिखा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।